क्या आपको पता है बेज 99 जो है गाइस पहले मोबाइल में खेला करते थे लेकिन उन्होंने पीसी में शिफ्ट कर लिया। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको मोबाइल गेम प्ले पे उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, नहीं गाइस उनको सपोर्ट मिलता था, ठीक है। उनको बहुत अच्छे व्यूज भी आते थे। आज से एक साल पहले बेज 99 मोबाइल पे खेला करते थे लेकिन उन्होंने पीसी में शिफ्ट कर दिया। एंड उन्हीं के साथ गाइस हमारे इंडियन सर्वर के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेयर जो कि रायस्टार आप लोग जानते होंगे। एंड रायस्टार का गेम प्ले गाइस गॉड लेवल है, ये सबको पता है। एंड वो मोबाइल पे गाइस बहुत खतरनाक खेलते थे बट वो भी अभी पीसी में शिफ्ट हो गए। तो गाइस क्या आप लोग को पता है इनके पीछे का रीजन कि क्यों गाइस आखिर मोबाइल प्लेयर, मतलब ऐसे भी मोबाइल प्लेयर नहीं, बहुत खतरनाक गॉड लेवल मोबाइल प्लेयर, ठीक है, जिनका गेम प्ले भी बहुत खतरनाक लेवल का था मोबाइल पे। एंड गाइस उनको सपोर्ट भी बहुत खतरनाक मिलता था बट वो गाइस पीसी में शिफ्ट क्यों हुए, इसके पीछे गाइस कौन सा मिस्ट्रियस रीजन है आज आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना क्योंकि गाइस हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं। एंड गाइस हम इंस्टाग्राम पे भी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे क्योंकि उधर हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कुछ बातें बातें करना हो तो आ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लेना। एनीवे साथ में टॉप 5 नंबर लिस्ट में जो गाइस रीजन आता है जिसकी वजह से मोबाइल प्लेयर्स पीसी में शिफ्ट होते हैं ये है कि गाइस बेनिफिट्स ऑफ मोर की बटन, मतलब गाइस आप लोगों को पीसी में बहुत सारे की बटन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड गाइस आप लोग जानते होंगे आप लोगों को मतलब इतने सारे शॉर्टकट्स है पीसी में, ठीक है, आप लोग मतलब एक बटन से बहुत कुछ कर सकते हो, आप लोगों को भी पता होगा ये बात। एंड इसकी वजह से मतलब यही शॉर्टकट की वजह से बहुत सारे बंदे मतलब अच्छे लगते हैं पीसी में। लिटरली आप लोग फोन में अगर आप खेल रहे हो तो एक एक बटन आप लोगों को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, उधर आप लोग। एंड गाइस आप लोग उधर मतलब मैक्स टू मैक्स कितने फिंगर यूज कर सकते हो, 4 फिंगर या फिर 5 फिंगर, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। लेकिन गाइस पीसी में मतलब आप लोग सिर्फ कीबोर्ड में 5 फिंगर यूज कर सकते हो एंड उसके बाद माउस में भी बटन होता है। एंड सबसे ज्यादा जो बेनिफिट चीज है ये है डीपीआई डिफरेंस बिटवीन मोबाइल एंड पीसी। जी हाँ गाइस, जो मतलब डिफरेंस है ना पीसी में एंड फोन में डीपीआई का वो अलग लेवल का ही है क्योंकि गाइस अगर आप लोग फोन में डीपीआई को इंक्रीज करते हो तो आप लोगों का मतलब जैसे ही आप डीपीआई को इंक्रीज करोगे तो आप लोगों को दोनों चीज हो जाएगा। लाइक मान के चलो आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन तो बढ़ ही जाएगा एंड उसके बाद आपका मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों काम गाइस एक ही मतलब तरीके से हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पीसी में इंक्रीज करते हो डीपीआई, देन पीसी में डीपीआई का सिस्टम होता है गाइस, इसमें दो तरीके होते हैं, एक्स एंड वाई होता है, ठीक है। एंड अगर आप लोग एक्स इंक्रीज करते हो तो आपका मूवमेंट इंक्रीज होगा, मतलब इधर से उधर आप लोग बहुत फास्ट जा पाओगे ऐसे वैसे, ठीक है। एंड अगर आप लोग वाई इंक्रीज करते हो देन आपका जो हेडशॉट लगता है उसके लगने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे होता है गाइस पीसी में एंड फोन में। तो ऐसे गाइस डीपीआई का भी बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट है पीसी में एंड उसी के साथ सबसे ज्यादा है गाइस बोल सकते हो की बटन्स का, ठीक है। की बटन्स का मेन रोल प्ले होता है क्योंकि आप लोग गाइस मतलब एक ही हाथ से, ठीक है, 5 बटन को यूज कर सकते हो देन आपका मतलब गाइस किस लेवल का गेम प्ले हो सकता है एंड इसी वजह से गाइस आपका बहुत फास्ट होता है पीसी में। अभी आते हैं हमें टॉप 4 नंबर लिस्ट में जो गाइस सबसे बड़ा रीजन आता है ये है लाइव स्ट्रीमिंग। जी हाँ, अगर आप लोग गाइस लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो गाइस फोन में एक्चुअली क्या होता है कि गाइस अगर आपका वॉइस आता है, ठीक है, अगर आपका वॉइस आ रहा है तो आपका टीममेट का वॉइस नहीं आएगा एंड अगर आपका टीममेट का वॉइस आ रहा है तो गाइस आपका वॉइस नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम आपको फोन में देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से गाइस बहुत सारे मतलब मोबाइल प्लेयर पीसी में शिफ्ट होते हैं क्योंकि उनको एक लाइव स्ट्रीमर बनना होता है, ठीक है, मतलब उनको यूट्यूबर गाइस लाइव स्ट्रीम करना होता है यूट्यूब पर एंड इसके बाद इसी वजह से गाइस उनको चॉइस नहीं है कि फोन में मतलब वो डुअल इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉइस रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन गाइस अगर मैं आप लोगों को वहीं पे बोलूं कि आप अपना मतलब इंटरनल वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो एंड एक्सटर्नल वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो लाइव स्ट्रीम के टाइम पे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। एंड जी हाँ, फोन में कर सकते हो आप लोग एंड ये कर सकते हो आप लोग गाइस टर्निप ऐप के मदद से। बहुत सारे बंदों को गाइस टर्निप ऐप के बारे में पता नहीं होगा तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं। तो टर्निप एक इंडियन स्ट्रीमिंग ऐप है जहां पे आप लोगों को वैरायटीज ऑफ फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग गाइस स्ट्रीम कर सकते हो 1080p में वो भी फ्री, ओवरलेस एंड थंबनेल ऐड कर सकते हो। एंड गाइस टर्निप में सबसे ज्यादा खास बात जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि इंटरनल ऑडियो के साथ आप लोग गाइस लाइव स्ट्रीम कर सकते हो विदाउट एनी लैग एंड उसी के साथ गाइस अपना फेस कैम स्ट्रीम भी कर सकते हो। एंड एक और सबसे बड़ा खास बात ये है कि यहाँ पे आप लोगों को मल्टी स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब एक टाइम पे गाइस अपने दोनों प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर सकते हो। तो वेट किसका कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लो टर्निप ऐप को।
टॉप थ्री नंबर लिस्ट में जो गाइस रीजन आता है ये है कि गाइस ब्लैक बार, जी हाँ, जब आप लोग मोबाइल में रिकॉर्ड करते हो अपना गेम प्ले को, वहां पे आप लोग देखना गाइस ऊपर के स्क्रीन पे नीचे के स्क्रीन पे आप लोगों को दो ब्लैक बार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड ये ब्लैक बार कहीं ना कहीं मतलब गाइस डिसअपॉइंट करता है हम लोगों को, जो ऑडियंस देखते हैं, जो व्यूअर देखते हैं, उनकी नजर गाइस उस ब्लैक बार पे जाता है, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है देखने में, आप लोगों को भी लगता होगा। इधर गाइस देखो ये जो पीसी का गेम प्ले चल रहा है, ठीक है, इसमें कहीं पे आप लोगों को कुछ मतलब ब्लैक बार वगैरह देखने के लिए मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। एंड इसकी वजह से गाइस आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग वहीं पे मोबाइल पे गेम प्ले देखोगे, रिकॉर्डेड गेम प्ले, तो वहां पे आप लोगों गाइस ब्लैक बार देखने के लिए मिलता है अगर आप लोग फुल गेम प्ले डालते हो एस इट इज, ठीक है। बट अगर आप लोग कट करके डालते हो तो अलग बात है, लेकिन पीसी की तरह गाइस आप लोग मतलब रिकॉर्डेड गेम प्ले नहीं डाल सकते फोन पे, क्योंकि उधर आप लोगों को ब्लैक बार देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी वजह से ये कहीं ना कहीं मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से गाइस जो रिकॉर्डेड गेम प्ले होता है ये पीसी में ही बेस्ट होता है। टॉप थ्री नंबर लिस्ट में जो गाइस रीजन आता है जिसकी वजह से मोबाइल प्लेयर पीसी में शिफ्ट हो रहे हैं, ये है कि गाइस अगर आप लोग एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना नहीं चाहते, ठीक है, अगर आपका मन नहीं है स्पोर्ट्स में, एंड अगर आपका गाइस टूर्नामेंट वगैरह खेलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, एंड आप गेम सिर्फ फन पर्पज के लिए खेलते हो, देन आई विल रिकमेंड गाइस आप लोग पीसी में शिफ्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि गाइस आप लोग गेम खेल रहे हो मजे के लिए, कोई भी मतलब गाइस आप लोग ऐसे फ्यूचर नहीं देख रहे हो गेम को लेकर, ठीक है, आप लोग सिर्फ फन पर्पस के लिए खेल रहे हो, आते हो, मजे करते हो, चले जाते हो। एंड अगर आप लोग ऐसे करते हो तो आप लोग पीसी में इजीली शिफ्ट हो सकते हो, पीसी में गाइस बहुत मजा भी आता है खेलने में, एंड आप लोग ये कर सकते हो कंटिन्यू। बट वहीं पे अगर आप लोग ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि गाइस आप भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेलो एंड मतलब एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर बनो फ्यूचर में, देन गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पीसी में मत ही आओ, ठीक है, मतलब पीसी में मत आओ, आप लोग गाइस मोबाइल में ही अपना गेम प्ले बहुत हार्ड करो एंड टूर्नामेंट खेलो, एंड देन गाइस आप लोग को ऑब्वियसली चांस मिलता जाएगा, एंड गाइस एक ना एक दिन आप बन ही जाओगे अगर आप पूरे मतलब मन से करोगे कि गाइस स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, प्रैक्टिस करोगे, देन ऑब्वियसली आपका गाइस ड्रीम पूरा होगा ही। तो फाइनली आते हैं हमारे टॉप वन नंबर मेजर रीजन के ऊपर गाइस, जो मोबाइल प्लेयर पीसी में शिफ्ट होते हैं ये है कि गाइस मतलब आप लोगों का इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड होगा गेम प्ले करते टाइम, एंड आपका साउंड भी रिकॉर्ड होगा, एंड ये पीसी में काफी ज्यादा अच्छा होता है। आई नो आईफोन में भी होता है, मतलब आईफोन के कुछ डिवाइस में भी ये होता है, लेकिन गाइस जैसे मतलब आप लोगों को क्लियरिटी आता है पीसी में, वैसे आप लोगों को आईफोन में नहीं आएगा, मतलब फोन में उतना क्लियरिटी नहीं आएगा अगर आपका रिकॉर्ड भी हो जाता है डुअल साउंड, ठीक है, बट फिर भी आपको गाइस उतना क्लियरिटी नहीं आएगा जितना पीसी में आता है। एंड गाइस पीसी में अगर आप लोग डिस्कॉर्ड पे कनेक्टेड हो तो उसका भी वॉइस रिकॉर्ड होगा, ठीक है, अगर आप लोग गाइस ऐसे ही फ्रेंड के साथ खेल रहे हो देन फ्रेंड का भी वॉइस रिकॉर्ड होगा, एंड गाइस आपका भी वॉइस रिकॉर्ड होगा। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट्स लगता है मेरे को, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे बेस 99 गाइस वो आज से एक साल पहले प्रैंक वीडियोस भी डालते थे, ठीक है, आज से एक साल पहले भी डालते थे, बट वो गाइस अपना जो कि मतलब अगर आप वो अपना वॉइस दे तो फिर फ्रेंड्स का वॉइस नहीं डाल पाते थे, एंड अगर वो गाइस फ्रेंड का वॉइस दे देन अपना वॉइस नहीं डाल पाते थे, तो ये गाइस दिक्कत आता था, ठीक है, मतलब उन्हें ये दिक्कत आता था। एंड इसी वजह से गाइस वो शायद पीसी में शिफ्ट किया है, क्योंकि गाइस वो उनका कंटेंट ही होता है मतलब प्रैंक वीडियो डालना, ठीक है, एंड मतलब प्रैंक्स करना ये सब वगैरह, तो इसी वजह से गाइस मतलब बहुत ये दिक्कत आता है फोन में, एंड इसी वजह से वो गाइस पीसी में शिफ्ट किया, क्योंकि पीसी में गाइस इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड होता है एक्सटर्नल साउंड भी रिकॉर्ड होता है, कोई दिक्कत ही नहीं आता, इजीली गाइस मतलब प्रैंक भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से गाइस कुछ मेजर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बेज 99 राइस्टार एंड और भी बहुत सारे फोन प्लेयर, अच्छे अच्छे फोन प्लेयर पीसी में शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो इनमें से गाइस कुछ रीजंस हो सकते हैं, बाकी उनके पर्सनल चॉइस भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक फोन प्लेयर रहा हूं एंड मैं भी अभी पीसी में शिफ्ट हो गया हूं, क्योंकि मेरे को पर्सनली मतलब पीसी में अच्छा लगता है, एंड मैं कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलता, ठीक है, ये मैं जानता हूं, एंड मेरे को गाइस मतलब यूट्यूब करना है, ठीक है, ना ही मेरे को टूर्नामेंट वगैरह में इंटरेस्ट है, तो इसी वजह से गाइस मैं पीसी में शिफ्ट हो गया। तो सबका अपना अपना चॉइस होता है गाइस, एंड इनमें से कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बेस 99 राइस्टार पीसी को ज्यादा प्रीफर किए फोन से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर देना अपने एक दोस्त के साथ, एंड हाँ इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।